रामपुर पुलिस चौकी के खरमोरा अटल आवास में गुंडा बदमाश अमित सोनी की सुबह सड़क पर लाश मिली। उसकी हत्या किसी के द्वारा कर दी गई थी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस अमला पहुंचा। खोजी डॉग बागा को भी मौके पर बुलाया गया। डॉग स्क्वाड ने बागा की मदद से अज्ञात हत्यारों का सुराग तलाशने की कोशिश शुरू कर दी और चंद मिनटों में ही सफलता भी हाथ लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाघा सीधे हत्यारे के घर जा पहुंचा। लोग तब हैरत में पड़ गए जब मालूम हुआ कि अमित सोनी को उसकी साली और सास ने ही मारा था। बाघा सीधे साली के घर जा घुसा। बताया जा रहा है कि अमित की बुरी नजर साली पर थी, इसी कारण से विवाद में सास और साली के हाथों मर्डर हो गया। बहरहाल अमित की सनसनीखेज हत्या का मामला सुलझ जाने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। विशेष योग्यता रखने वाले बाघा की काबिलियत एक बार फिर देखने को मिली। जो मिस्टर अमित सोनी है वो जो रात 10-10:30 बजे के लगभग उसके ससुराल घर के पास उसकी जो पत्नी है वो 7-8 माह पूर्व से किसी के साथ थक गई, इसी बात को लेकर उन्होंने शराब की नशे में गाली गलौज कर रहा था और अभद्र व्यवहार कर रहा था। इसी दौरान उसकी सास और उसकी जो बेटी है दोनों मिलके उसके कुछ डंडों से मारपीट किए। इसी दौरान मारपीट करके उन्होंने घर चल दिया और रात में वहीं छोड़ दिया था। हो सकता है कि रात के अकड़न में ठंडी की वजह से उसने दम किया। पूछताछ में वही कि उसकी पत्नी जो 7-8 माह पूर्व जो भग गई है उसी को लेके विवाद कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, इसी बीच इन्होंने मारपीट की है। ये विवेचना की बात है, बुरी नज़र थी नहीं थी वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी वर्तमान में जो मारपीट हुआ है उसकी जो पत्नी भग गई है उसी बात को लेकर गाली गलौज और मारपीट हुई। हमारे जो डॉग स्क्वाड है बाघा, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग रहा है उनमें भी और अभी भी, जो प्रथम दृष्टया जो उनके जो स्मेल से पकड़ने में कामयाब। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।